भारत पाकिस्तान मैच के दौरान अमित शाह के बेटे जय शाह लोगों के निशाने पर आ गए। दरअसल जब भारत मैच जीत गया तो सभी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लोग खूब जश्न मनाने लगे। लेकिन इसी बीच एक ऐसा भी नज़ारा देखने को मिला जहां बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी जय शाह ने तिरंगा झंडा लेने से इनकार कर दिया। अब इसी को लेकर टीएमसी के स्पोक्स पर्सन तौसीफ रहमान ने कहा है कि अगर इस जगह पर शाहरुख खान, आमिर खान या तौसीफ रहमान होता तो अब तक आतंकवादी और देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। आइए सुनते हैं। इंडिया पाकिस्तान के मैच में अमित शाह के जो बेटे हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में एक बल्ला नहीं पकड़ा होगा, कभी क्रिकेट भी नहीं खेला होगा, कोई नॉलेज नहीं है, मगर वो बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको देखा गया कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान में वो अरब के सारे लोगों के साथ बैठे हुए थे। उनको देखा गया कि वो पाकिस्तान आर्मी चीफ के बेटे के साथ भी वो बैठे हुए थे, कंफर्टेबल थे, काफ़ी कंफर्टेबल थे। उससे बड़ी चीज़ ये देखी गई कि जब हमारा मुल्क इंडिया पाकिस्तान को शिकस्त और बहुत सही तरीके से हराने के बाद जब वो वहाँ पर इंजॉय नाच रहे थे, उनको एक तिरंगा दिया गया, हमारा नेशनल फ्लैग दिया गया कि भाई आप इसके साथ नाचिए, आप इसको लेके खुशी बनाएं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ पूरे हमारे भारत के लोगों से कि अगर ये तीन चीज़, अरब के साथ बैठना, पाकिस्तान चीफ आर्मी के बेटे के साथ बैठना और हमारे जान से बढ़कर जो हमारे दिल में हमारा तिरंगा है उसको रिजेक्ट अगर कोई मुसलमान करता, अगर शाहरुख खान करता या आमिर खान करता या तौसीफ रहमान करता, तो आज हम आतंकवादी होते, टेररिस्ट होते, एंटी नेशनल होते। ये सच्चाई है और ये हमारे मुल्क की सच्चाई है कि कितना दोगलापन हमारे अंदर भर चुका है। थैंक यू।